Bee English classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बिग इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये है एक पोयम जो कि इसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड, जिसे लिखा गया है विलियम बटलर यीट्स, यानी डब्ल्यू बी यीट्स। ये जो पोयम है, ये एक टाइप का मैसेज है उन सारे लोगों के लिए जो प्यार करते हैं, जो जिनकी जो वजह है प्यार करने की एक दूसरे को, वो कुछ ना कुछ तो हो गई। देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका एक रीजन होता है, उसे कहते हैं कंडीशनल लव, यानी कि किसी कंडीशन पे हम किसी से प्यार करते हैं। हमें किसी की नाक पसंद आती है तो हम प्यार करते हैं, या तो हमें किसी की होंठ पसंद आते हैं अपने लविंग पार्टनर के, या जो भी हो, बॉडी पार्ट्स या सोच, या दिखने के लिए अच्छा है, बात करने के लिए अच्छा है, आवाज पसंद आती है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंसान में, हम ये देखकर प्यार करते हैं। आगे जाकर जब लाइफ में एक टर्न आता है जहाँ पर हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जो खूबसूरती हम लोगों ने देखकर प्यार की थी, आगे जाकर वो खूबसूरती ढलने लगती है। इस हिसाब से क्या होता है कि हमारा प्यार कम होने लगता है। लेकिन ऐसा भी प्यार होता है जो लोग करते हैं, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। ये ऐसा प्यार होता है कि जिसमें इंसान अपने लविंग पार्टनर से क्यों प्यार करता है उसकी वजह ही नहीं मालूम होती। तो इस तरह का जो प्यार था, वो ये जो पोएट है डब्ल्यू बी येट्स, इसने किया था एक ऐसी औरत से जिसका नाम था मॉड गॉन। ये जो पोयम है, ये एक टाइप का मैसेज या एक रिप्लाई, ये जो पोयम है ये दरअसल एक बदला है उस लड़की से जिसका नाम है मॉड गॉन। तो दरअसल ऐसा होता है कि जो ये डब्ल्यू बी यीट्स है, जो ये पोएट है, ये किसी एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जिसका नाम है मॉड गॉन, जो कि एक जमाने में एक्ट्रेस रहा करती थी। आप समझ सकते हो, अगर कोई औरत अगर एक्ट्रेस हो तो कितने सारे लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं, और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग मरते हैं, उसके साथ रहने के लिए मरते हैं, जो कि आज के ज़माने में बॉलीवुड में चल ही रहा है। अब देखोगे कि कोई ऐसी हीरोइन छा जाती है और खूबसूरती की वजह से, तो कितने सारे लोग उसके ऊपर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं उसकी खूबसूरती पर। तो होता ऐसा है कि जो डब्ल्यू बी यीट्स है, वो मॉड गॉन इस लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल देते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं। लेकिन मॉड गॉन जो है, वो उस जमाने में क्या होता है कि वो ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से उसे एक टाइप का एक घमंड चढ़ जाता है कि उसके आगे पीछे इतने सारे लोग दौड़ रहे हैं। और हालांकि जो डब्ल्यू बी यीट्स थे, वो एक उभरते कलाकार थे, यानी उभरते पोएट थे, वो अभी इतने फेमस नहीं हुए थे जितने कि उसकी जो ये मॉड गॉन थी। तो उसने इनकार कर दिया, डब्ल्यू बी यीट्स का जो ये प्रपोजल था उसे इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ कि डब्ल्यू बी यीट्स को काफ़ी दुख हुआ, और फिर इसके जवाब में उन्होंने ये एक पोएम लिखा। ये पोएम एक दरअसल एक एडवाइस भी हो सकती है उस लड़की के लिए। और आप देख सकते हो कि ये जो पोएम है, ये एक तरह का एडवाइस है उस लड़की के लिए। और इसी के साथ साथ डब्ल्यू बी यीट्स ने ऐसे और दो पोएम्स लिखे थे उसी औरत के लिए जवाब में। तो चलिए, इतना समय काफ़ी है आपको ये पोएम समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ। यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इज देयर डिफरेंस बिटवीन लव एंड इन्फैचुएशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लव जो होता है ना, ये दरअसल क्यों होता है इसके पीछे वजह नहीं होती। जब आदमी किसी से प्यार करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो किस लिए प्यार कर रहा है उसके साथ, बस हो जाता है और एक तरीके का बॉन्डिंग तैयार हो जाती है उस इंसान के साथ में। और इन्फैचुएशन जो होता है, ये एक टेम्प्रेरी अट्रैक्शन होता है एक इंसान की तरफ, जो कि एक वजह के बेस पर निर्भर होती है। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आदमी का कोई ना कोई तो एक पर्सनालिटी में कोई ना कोई तो चीज़ पसंद आती है, इसीलिए वो इंसान उससे अट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं इन्फैचुएशन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, डू यू थिंक परसेप्शन ऑफ लव चेंजेस। परसेप्शन मतलब देखने का नज़रिया, ऑफ लव चेंजेस हैज वन गेट्स ओल्डर। जाहिर सी बात है, अपना जो देखने का नज़रिया होता है, क्या वो बदलता है जब आप बूढ़े हो जाते हो? जाहिर सी बात है, बदलता ही है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जब भी मैं देखता हूँ कि मैरिज कपल्स होते हैं, कभी आपने इनको गौर किया, जब न्यूली मैरिड होते हैं तो साथ साथ चलते हैं हाथों में हाथ लेकर, और जब एक अरसा गुजर जाता है शादी का, हो सकता है कि 10 साल, तो आप देखोगे कि तो रास्ते पर जब भी आप देखोगे ना, तो जब यही मैरिज कपल 10 साल के बाद में आपको दिखाई देंगे इस तरह से, कि जो हस्बैंड है वो काफ़ी आगे आगे चल रहा है वाइफ के, और वाइफ
हस्बैंड के पीछे पीछे चल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सोच होती है हमारी, देखने की नजरिया, हमारा जो प्यार होता है ना किसी चीज पर निर्भर होता है, और जब वो चीज चली जाती है तो उसके साथ साथ वो प्यार भी चला जाता है। तो आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम अभी। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप एंड नोडिंग बाय द फायर, taking down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. So, चलिए अब line to line समझते हैं इस poem को। When you are old and grey and full of sleep, तो जो poet है वो उस औरत को कह रहे हैं कि एक काम करो, imagine करो, future में जाओ, अपने आप को ये समझो कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो और सोचो कि तब जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, when you are old and grey, grey का मतलब बाल सफेद हो जाना, and full of sleep, और एक ऐसा मोड आएगा जहां पर जब तुम पूरी तरह से बूढ़ी हो जाओगी और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम करने में बिताओगी। हालांकि जो बूढ़े लोग होते हैं, आप लोग हमेशा देखोगे अपने दादा दादी नाना नानी, ये जब बूढ़े होते हैं ना तो इनके पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरह से बूढ़े हो जाते हैं और इनकी जो शरीर होता है जवाब दे देता है, यानी इनका जो शरीर में ताकत ही नहीं रहती, इसलिए ये अपना ज्यादा टाइम सोने में बिताते हैं। तो वो उस औरत से कह रहे हैं पोएट कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, अपना ज्यादा दिन बिताओगी सोने में, एंड नॉडिंग बाय द फायर, और जब तुम अब आग के बाजू में बैठोगी गर्म, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनको गर्मी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसके शरीर में जो बूढ़े लोगों के शरीर में गर्मी कम होने लग जाती है, इसलिए आप हमेशा देखोगे कि वो हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, बूढ़े लोग अपने आप को गर्म रखते हैं। ये जो कह रहे हैं कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और एंड नोडिंग बाय द फायर, ये जो पोएम है ये यूरोपियन कंट्रीज से इसका ताल्लुक है। यूरोप में आप हमेशा देखोगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, वहाँ का जो क्लाइमेट या वहाँ का जो मौसम होता है वो काफी ठंडा होता है, बर्फ गिरती है वहाँ पर, और ये क्या होता है कि हर एक घर के अंदर आप लोगों को एक इस तरह से कोने में, घर के कोने में आप लोगों को दिखाई देगा कि लोग अपने घर के अंदर ही आग लगाते हैं ताकि घर का जो रूम टेम्परेचर है वो बरकरार रहे और गर्म रहे। तो उसे कहते हैं फायरप्लेस एंड नोडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक, और जब तुम गर्मी लेने के लिए आग के बाजू में बैठोगी तो उस वक्त ये बुक निकालना और पढ़ना शुरू करना, एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। तो ये जो बुक है ये क्या है? ये बुक पूरी तरह से अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जो कि एक टाइप का लेटर बोल सकते हो, जो डब्ल्यू बी ईट्स ने एक पोएटिक फॉर्म में लिखा है उस औरत के लिए। दरअसल वो बताना चाहते हैं इस पोएम के जरिए कि तुमने कितने बड़ा अपना खुद का नुकसान कर लिया है और तुम्हें आगे जाकर पछतावा होगा मेरे पोएम्स पढ़ने के बाद कि तुमने एक प्यार करना, सच्चा प्यार करने वाला एक ऐसा इंसान मेरी तरह तुमने खो दिया है। एंड स्लोली रीड, स्लोली मतलब ध्यान से पढ़ना, एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आईज हैड वंस, एक जमाने में जब तुम्हारे आंखों में जो नरमी थी और तुम्हारे चेहरे में जो खूबसूरती और नरमी थी जवानी की वजह से, इस चीज के बारे में याद करना, एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, यानी उस आंखों में, शैडोज डीप का यहाँ मतलब होगा मायूसी। किस चीज की मायूसी? आज आप लोग बॉलीवुड में देखोगे कि एक जमाने में जो उभरती कलाकार थी वो कहीं ना कहीं तो जाकर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर लोग उसे उस कलाकार को भूल जाते हैं, वो औरत को भूल जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कितने सारे हीरोइंस आए और चले गए, और जब उनका बुढ़ापा जो होता है वो काफी दर्दनाक होता है, बुढ़ापे में कोई उनके पास नहीं आता। जवानी में तो सारे लोग उसके पीछे दौड़ते रहते हैं हीरोइन के, लेकिन बुढ़ापे में जब वही हीरोइन बाहर निकलती है रास्ते पर तो उसे एक आम लोगों की तरह ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये एक तरीके मायूसी होती है। जो लड़की थी इसमें, इसके आंखों में भी एक मायूसी थी। मायूसी ये थी कि लोग उसे उस जमाने में अपनी जवानी के साथ साथ उसका जो करियर था वो भी ढल रहा था, यानी वो डब्ल्यू बी एड्स काफी पॉपुलर हो रहे थे और ये जो मॉडगॉन थी लोगों के बीच इसकी जो इमेज थी वो कम होते जा रही थी, तो लोग धीरे धीरे दूर हट रहे थे इस औरत से क्योंकि इसकी जवानी ढल रही थी उस वक्त, इसीलिए। और इसीलिए
शैरोज डीप का मतलब यहाँ पर होता है आंखों में वो मायूसी। हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। जो पोएट है वो याद दिलाना चाहते हैं उस औरत को कि जब तुम जवान थी तो कितना सारे लोग तुम्हारी ये जो चाल थी इस पर फिदा हो चुके थे। हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। कितने सारे लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, तुम्हारे साथ में वक्त बिताना चाहते थे। एंड लव्ड योर ब्यूटी विथ लव फॉल्स ऑल थ्रू। और इसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो तुम्हारी खूबसूरती पर निछावर थे, यानी खूबसूरती पर मरते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सच्चा प्यार भी करते होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जिनका प्यार झूठा प्यार होगा। झूठा प्यार का मतलब मैं, आप लोग तो अच्छी तरह से समझ सकते हो, मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। झूठा प्यार का मतलब होता है कि जो अपनी हवस मिटाने के लिए लोग किसी लड़कियों को फंसाते हैं प्यार के जाल में, और जब उनकी हवस मिट जाती है तो वो उस लड़की को छोड़ देते हैं। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि एक जमाने में जब तुम खूबसूरत थी तो तुम्हारे आगे पीछे मर्द लोग घूमते थे, फिरते थे। उनमें से कुछ लोग प्यार करने का दावा करते थे, तो वो दावे शायद झूठे भी हो सकते हैं और सच्चे भी हो सकते हैं। बट वन मैन लव द पिलग्रिम सोल इन यू। लेकिन उन लोगों में से एक ऐसा इंसान था जो तुम्हें सच्चा प्यार करता था, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से वो प्यार नहीं करता था। तुम्हारे दिल, जो खूबसूरत दिल था, उसके लिए वो प्यार करता था। पोइट को कैसे पता चला कि ये जो औरत है ये खूबसूरत दिल रखती है? क्योंकि उस जमाने में आयरिश नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जहाँ पर इस ये जो औरत थी इसने भागीदारी ली थी, उसमें सहभाग लिया था। इसीलिए अपने कंट्री की तरफ इतना प्यार जो डब्ल्यू यीट्स ने देखा था उस औरत के दिल में, इसके वजह से डब्ल्यू बी यीट्स उसके ऊपर इम्प्रेस्ड हो जाता है। तो डब्ल्यू बी यीट्स कहता है कि मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हें प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हारा खूबसूरत दिल देखकर प्यार किया। तो तुम्हारे पिलग्रिम सोल एंड लव द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। ना ही मैंने तुम्हें तुम्हारी खूबसूरत दिल देकर प्यार किया, लेकिन मैंने तुम्हारे हर एक चीज से प्यार किया है जो तुमसे ताल्लुक रखती है। ऑफ योर चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस का मतलब होता है जो स्टेजेस होते हैं बुढ़ापे की तरफ जाने वाले, यानी कि आपके चेहरा बदलने लगता है। जो खूबसूरत चेहरा होता है वो आगे जाकर बदसूरत चेहरे चेहरे में बदलने लगता है। तो वो जो स्टेज होते हैं बदलने के, 30, फिर 35, 35 में आपको चेहरा अलग दिखाई देगा, फिर 40 में आपको चेहरा अलग दिखाई देगा, और 5 साल के बाद में चेहरा और अलग दिखाई देगा, फिर 50 में चेहरा अलग दिखाई देगा। ऐसे करते करते जब इंसान 70-80 की उम्र में पहुंचता है, तो आपको देखा गया कि अगर आप उसको कंपेयर करोगे उसके जवानी की फोटो के साथ में, तो काफी फर्क दिखाई देगा फोटो में, चेहरे में। तो वो कहता है कि मैंने एंड लव द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। तो मैंने तुम्हारी हर एक चीज से प्यार किया है, मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो मायूसी है उससे भी प्यार किया है, यानी कि तुम्हारा तुम्हारा दुख मेरा दुख, अगर तुम दुखी होगे तो मैं भी दुखी हूँ। एंड लव द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। जैसे चेंजिंग फेस, और एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, चेंजिंग फेस का मतलब और एक चीज होती है, क्योंकि ये जो औरत थी ये एक्ट्रेस थी, तो जाहिर सी बात है एक्ट्रेस लोगों के चेहरे एक्सप्रेसिव होते हैं। पल पल में उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है वो बदलने लगते हैं, और इसी को तो एक्टिंग कहते हैं। तो वो कहता है कि ये जो तुम्हारा जो चेंजिंग फेस है इस पर भी मुझे बहुत प्यार है। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। और जब तुम उस वक्त ग्लोइंग बार्स का मतलब जलती हुई जो सलिया होती है जहाँ पर कोयले वगैरह रखा जाते हैं, जलते और गर्म कोयले रखने की वजह से जो ग्लोइंग बार्स है, वो जो बार्स होते हैं लोहे के, जो बार्स होते हैं वो गर्म होने लग जाते हैं और फिर लाल हो जाते हैं। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। मर्मर, मर्मर मतलब धीरे से अपने साथ बात करना। अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लेड। और उस वक्त तुम मायूस हो जाओगी, दुखी हो जाओगी कि कैसे मुझसे सच्चा प्यार दूर हो गया। हाउ लव फ्लेड। लव यहाँ पर कौन है? डब्ल्यू बी एच, ठीक है। बाकी सारे लोग भी प्यार करते थे, लेकिन जो डब्ल्यू बी एच का जो सच्चा प्यार था, जो प्यार डब्ल्यू बी एच ने किया था, वो एक अलग तरह का प्यार था, सच्चा प्यार था। और जब तुम इस तरह से बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे और तुम्हारे खुद के शरीर पर कंट्रोल नहीं रहेगा, उस वक्त जब मेरे बारे में याद करना, उस वक्त तुम्हें चाहने वाले वो सारे के सारे लोग चले जाएंगे। तुम अकेली इस तरह से गर्मी लेते हुए जब बैठोगी, उस वक्त मेरे सच्चे प्यार के बारे में याद करना। अनपेज्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवर हेड एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। यहाँ पर ये जो दो लाइन है लास्ट के, इसका मतलब वो बता रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो आत्मा है, अनपेज्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवर हेड, पहाड़ों के पार कहीं दूर ऊपर आसमानों में जब मेरी जो आत्मा है वो वहां रहेगी। एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। और फिर मेरी जो आत्मा है
उन सितारों के बीच जाकर छुप जाएगी, और जब मैं इस तरह से दूर चला जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि सच्चा प्यार क्या होता है और तुमने क्या पाया और क्या खोया। तो इसी के साथ ये पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो खत्म हो चुका। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पोएम पसंद आई होगी। इस पोएम के जितने भी जो और भी चीजें हैं जो सिखाने लायक है, लेकिन इसमें लिटरेरी डिवाइस होता है, फिर फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिर थीम होते हैं, ये सारी चीजें भी होती है पोएम में सिखाने जैसे, लेकिन आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना ही काफी है। और आपको अगर पोएम पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए बीइंग इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।